अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शांता चौधरी। आज हम बनाएंगे नूडल्स। जैसे कि आपको पता है, हर एक बंदा नूडल्स जब बनाता है तो वो बाहर से प्रोसेस नूडल्स लेकर आता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि घर में प्रोसेस नूडल्स कैसे बनते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो ये हैं। 2 कप मैदा लेंगे, 1 कप मैंने फिल करके रख दिया है, 1 कप डालूंगी और 1 कप फिर और डालूंगी। इसके बाद हम इसके हिसाब से वार्म वाटर लेंगे। आप देख सकते हैं स्मोक निकल रही होगी। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 3/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून सॉल्ट। चलें अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 कप मैदा डाल चुकी हूँ, 1 कप मैदा और ऐड करूंगी। 3/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। इन तमाम अज्जा को अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फोक की मदद से कंटिन्यूसली स्टिर करके हम इसकी डो बनाएंगे। इसके बाद जब हमारी डो इस शेप की आ जाएगी तो हम हाथ की मदद से इसको नी करेंगे। कंटिन्यूसली 3-4 मिनट्स नी करने के बाद हमारी डो इस शेप की हो जाएगी एंड देन हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हम इसको दोबारा नी करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। हमारी डो इस शेप में आ जाएगी। इसको अब हम दोबारा प्लास्टिक रैप से कवर करके 30 मिनट्स के लिए वार्म प्लेस पे रखेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हम अपनी डो को एक थिन फ्लैट सर्कल की शक्ल देंगे, जिसके लिए हम रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी डो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि मैंने 2 कप मैदा लिया था। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रोलिंग पिन की मदद से अपनी एक पार्ट ऑफ डो को फ्लैट राउंड सर्कल की शक्ल दे दी है। अब हम इसको ओवरलैप करेंगे और एक हेलिक्स की शक्ल देंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। एक शार्प नाइफ की मदद से हम इसके पतले पतले स्ट्रैंड्स काटेंगे। आफ्टर कटिंग इसको नाइफ की मदद से पिक करें और इसको सिंगल आउट करें। सिंगल आउट करने के बाद इसको हम पाइल अप करेंगे और एक डोम की शक्ल देंगे। अब हम केयरफुली इसको ट्रे में प्लेस करेंगे और इसी तरह ये मैंने दूसरा बना लिया है और इसको भी हम ट्रे में प्लेस करेंगे। नूडल्स एक दूसरे से फासले पर प्लेस करें ताकि ये इजीली ड्राई अप हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने दोनों डो पार्ट्स के नूडल्स बना लिए हैं। अब मैं इसको 3 दिन तक ड्राई अप करूंगी ताकि ये इजीली ड्राई हो जाए। मैं आपसे मिलती हूँ 3 दिन के बाद। तो चलिए हमारे नूडल्स तैयार हैं। ये देखें, इसको प्रोसेस्ड होने में 3 दिन लगे हैं और आप इसका अच्छे से क्रंच देख सकते हैं। बिल्कुल अकड़ चुके हैं, आप इसको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे नूडल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।